Assalamualaikum, it's me Ahmed and welcome to my YouTube channel and welcome to a new day and welcome to another vlog. So आज जो था आज लास्ट टेस्ट था और कॉमर्स का टेस्ट था. टेस्ट पढ़ा कुछ भी नहीं था लेकिन इतना आसान टेस्ट था ना, मतलब कह लो कि अच्छे नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे. एक एक्सक्यूज मेरा गलत हुआ था लेकिन वो मैंने किसी तरह करके ठीक कर लिया, सर नंबर दे देंगे इंशाल्लाह. तो यार आज जो लास्ट टेस्ट था आज़ादी मिल गया, अब जो अगला हफ्ता है उसमें कोई टेस्ट नहीं है तो उससे अगला हफ्ता फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे. इसे चलते चलते ना मतलब थोड़ी सी अब आगे जाते जाते ना मुश्किल आ रही है. लेकिन और एक बात जरूर कहनी थी कि पिछले व्लॉग में एक बच्चे ने शायद अपनी तरबियत दिखाई थी तो उसे इग्नोर कर देना उसे. मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ कि आप मुझे तो पूरा व्लॉग डिलीट करना पड़ेगा या फिर सेटिंग्स में जाके चेंज, तो आप उसे इग्नोर कर देना. तो अब आगे का प्लान तो यूँ है कि अभी दोस्त आएंगे उनसे पूछते हैं उन्होंने कुछ करना हो या कि बाहर जाकर कुछ खाना पीना हुआ तो खाएंगे, नहीं तो घर चलेंगे. और आज दोस्त की शादी भी है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ. घर पे टाइम से पहुँचता नहीं, टाइम से पहुँचूँ अल्लाह करे और फिर उसकी शादी में भी जाऊँ. ये ना बात नहीं कही यार, वो आ रहा है तो उसकी बहुत करीबी है, जाना भी जरूरी है. तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है, घर जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं साथ लेते हैं. दोस्तों का चलान होते हुए इतना कहते हैं हेलमेट पहन लो, पर नहीं नहीं हेलमेट के बगैर चलाएंगे, हेलमेट में ना ये कंफर्टेबल नहीं होते. इतना कहा था ना, मगर ये यार हम हेलमेट के बगैर ही जाएंगे. अब देखो यार फिर भी कुछ चलान थोड़ा सा हुआ ही नहीं. क्या समझाया था हेलमेट जरूरी है, कहते नहीं हेलमेट पहन के बाइक चलाएंगे. बरकत मार्केट कहा किसने था हमसे, इसने कहा था बरकत मार्केट जाना है. बहुत कहा था हेलमेट पहनो पर नहीं, अपनी सेफ्टी नहीं चाहिए नहीं तो मैं आइंदा पहन के आएंगे. आप लोग भी हेलमेट पहन के जाया करो. क्या है लो पावर मूड आके हमें वॉल्टन वाले मिल गए थे तो उन्होंने तो आप देख सकते होंगे ये दोनों पैदल चल के आ रहे हैं. क्या क्या चलान कर दिया था उन्होंने, कितना चलाना है 2000 बगैर हेलमेट के. हमारे पास तो हेलमेट था लेकिन दूसरी टीम के पास नहीं था, इसे हमें एक एक को उतारना पड़ा. चलान ना हो मना खाने पीने के सारे पैसे चलान पे लग जाने. अब हम बरकत मार्केट जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ भी हम देख नहीं जा रहे हैं, खाना पीना तो कुछ है नहीं. देखते हैं मेरे पीछे आपको नैन नज़र आ रही है, अगर इनमें से कोई मुझे धक्का दे तो मैं सीधा नैन. मैं दोस्तों की तरफ चलते हैं, इधर बैठे हुए मैं बाहर था ये सारे. हेलो चलान, हाँ चलान, इनको चलान हुआ था. यार $200 था, 500 जगह. तो अच्छा ए सी चल रहा, ठंडा 220 हमने ऑर्डर तो कर दिया, पता नहीं कब आएगा. सामने मौसिना बैठा हुआ है, मौसिना ऑर्डर का इंतज़ार करते हुए. यार लाइटिंग कम नहीं है, लाइटिंग नहीं है ऐसी होती है यार. सही रेस्टोरेंट में ऐसी साथ वाली में भी ऐसी है, वहाँ पर भी टीम लाइट बाहर से शाहबाग लग रहा है, अंदर से उज़्बेकिस्तान लग रहा है. यार कानों में बातें नहीं करते, आपको नहीं पता महफिल क्या था. क्या हुआ यार, कानों में बातें करना मना है. हम बहुत गंदी बातें कर रहे हैं. खाना तो आ चुका है, आप ये डिसाइड करें जिंगल कौन खाएगा और ग्रिल बर्गर कौन खाएगा. ग्रिल कहाँ पे है, जिंगल कहाँ पे है. यार प्लेट्स पकड़ लेना, वो देख प्लेट पड़ी हुई है. हम मुझसे काम होते हैं सारे लोगों के बाद इसमें टूट पड़ने इसके ऊपर. नहीं टूटूंगा मैं, शीशे का थोड़ी बनूंगा. ये मुझे लग रहा है ये नज़र आ रहा है, ये जिंगल लग रहा है. तो हम उठाते हैं और अपनी प्लेट में रखते हैं. खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं. किसी का मूड ही नहीं हो रहा खाने का, इनको देखो ना सब्र ही नहीं है बिल्कुल भी. उंगलियों से खाना शुरू कर दिया ये. अच्छा मिलते हैं खाना खाने.
गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो गया। मोहसिन ने बताया नहीं कि वो खुद ही जाएगा। मेरे साथ जो लड़का था हम तकरीबन आधा घंटा उनका वेट करते रहे, लेकिन फ़ोन कॉल किए लेकिन बात तो मैं ही जा रहा था। उन्होंने कहा ठीक है मर्जी है, तो फिर आधा घंटा वहाँ पर मैं जाया किया। तो फिर उसके बाद अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ, तकरीबन दो मिनट में, सामने दो मिनट में मैं घर पहुँचूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।